नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक और नई रेसिपी की वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज की जो डिश है दोस्तों, साउथ इंडियन डिश है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डाइजेस्टिव होती है, और अब ये इंडिया के अन्य पार्ट में भी बनाए जाने लगी है और सभी लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद की जाती है। तो इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जो भी नए भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त जयवीर चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सैफी फूड विद जय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों कांजी बड़ा का पानी बनाते हैं। तो कांजी बड़ा का पानी बनाने के लिए ये 40 ग्राम मैंने ये काली सरसों ली है जिसे राई बोलते हैं, और इसके साथ साथ ये 1.5 चम्मच काला नमक, 1.5 चम्मच ये सफ़ेद नमक, और 1/2 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, और इसके साथ साथ ये 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, और 1/4 चम्मच ये इसमें हम ये आमचूर पाउडर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, और इसके बाद दोस्तों इनको हम ग्राइंड करेंगे। और आपके पास यदि पीली सरसों हो तो आप पीली सरसों का यूज करना, और पीली सरसों नहीं है तो आप ये जो काली सरसों होती है जिसे राई बोलते हैं हम गाँव की भाषा में, तो उसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये मैंने 3 लीटर पानी लिया है, तो 3 लीटर पानी में मैंने ये 40 ग्राम राई ली है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है दोस्तों, लगभग 3 दिन में इसका पानी एकदम परफेक्ट तरीके से बनता है। कांजी बड़ा के पानी का टेस्टी होने का राज ये सरसों ही होती है। तो इस सरसों को दोस्तों 3 दिन लगते हैं पूरे फर्मेंट होने में। तो जब इसकी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद इसका टेस्ट और फ्लेवर पूरा आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद दोस्तों ये मैंने कोयला लिया है, तो कोयले को हम गैस पर गर्म कर लेंगे। जब ये लाल हो जाए इसके बाद इसे निकाल कर और ये कटोरी में रख के और हम अपने पानी के अंदर इसको ऐसे रख देंगे। और इसके बाद इसमें दोस्तों हमें धुआर लाना है, और धुआर के लिए ये प्रक्रिया हमने की है। और अब इस कोयले पे थोड़ा सा हम घी डालेंगे, और इसके बाद 1/4 चम्मच ही डाल के और इसको ढक्कन से बंद कर देंगे। इसके बाद इसमें जो धुआं निकलेगा वो हमारे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और हमारे पानी में एक डिफरेंट फ्लेवर लेके आएगा, और ये ही कांजी बड़ा के टेस्टी होने का राज है। अब 10 मिनट के बाद दोस्तों ये ढक्कन हटा के और पानी को हम अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पानी तैयार हो चुका है, और पानी के साथ साथ दोस्तों इसमें हमें भाई बड़े बनाने पड़ते हैं, और बड़े वही होते हैं जो दही बड़े में हम बनाते हैं, लेकिन उनका साइज़ हमें थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। तो दही बड़े की प्रक्रिया आप मेरे चैनल से देख लेना, उसमें एक वीडियो पड़ी है दही बड़े की, तो वहाँ से आप देख के और इसके बड़े बना लेना, लेकिन बड़े का साइज़ छोटा होना चाहिए। और ये दोस्तों तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसको हम 3 दिन के लिए रख देंगे, और 3 दिन के बाद ये सरसों आप देख सकते हैं हमारी पूरी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है, और इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आने लग गया है। और इसके बाद इसमें जो भी बड़े हमने तैयार किए हैं वो हम डाल देंगे, और 1 घंटे के बाद ये बड़े खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, और आप भी अपने घर पर ट्राई ज़रूर करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो भी नए भाई बहन पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों बारी आ गई है 3 सीक्रेट टिप्स बताने की। टिप नंबर 1, कांजी बड़ा का पानी बनाने के लिए हमें इसमें छोटे दाने वाली सरसों का यूज करना है, हमें मोटे दाने वाली सरसों बिल्कुल भी नहीं डालनी क्योंकि उससे कड़वा टेस्ट आ जाएगा। टिप नंबर 2, इसमें घी और हींग का धुआर देने के बाद इसको 3 दिन के लिए हमें फर्मेंट होने के लिए रख देना है, तभी सरसों का पूरा टेस्ट आएगा। टिप नंबर 3, दाल के जो हम बड़े बनाएंगे वो बड़े हमें बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाने हैं, तभी वो पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे और हमें पूरा टेस्ट देंगे।